सहरा के दरमियान लेक कहां से आ गए? तो उसने कहा ये हम 600 मील दूर से ये लेक लाए हैं और हमारे यहाँ पे 10 किलोमीटर की रोड पे 4 साल और 3 हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस था गवर्नेंस पे। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा क्रिटिसाइज भी होता है बट हमने इस लॉ के अंदर विद द सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान व्हाट वी आर एबल टू अचीव वाज कि जो भी इस टेक्नोलॉजी जोन के अंदर आएगा उसको 10 साल टैक्स हॉलीडे ऑन ऑल इनकम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा सईद और अकजई है एंड आई एम करंटली सर्विंग एज द डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस फॉर स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स अथॉरिटी। यहाँ पे पहुँचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जद्दोजहद जो है उससे गुजरा हूँ मैं और आज अपनी कहानी जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा नॉर्दर्न रीजन ऑफ केपी से जो कि हंगू है, जहाँ पे तकरीबन मेरे अर्ली टाइम मेरा बचपन का निकला, फिर कोहाट में कुछ टाइम निकला, उसके बाद जो है कैड कॉलेज कोहाट में मैंने अपनी मैट्रिक और एफएससी की और वहाँ से मैं लम्स गया। लम्स में एक कल्चरल शॉक भी था बहुत बड़ा क्योंकि एक ऑल बॉयज़ और सख्त इस्लामिक कंजर्वेटिव सोसाइटी जो केपी के नॉर्थन रीजन और एजेंसीज की तरफ है। ओरिजिनली मैं औरंगज़ेब एजेंसी का हूँ और हंगू और कोहाट जो है ये बड़ा सेग्रीगेटेड, वहाँ पे स्कूल से लेके सब कुछ जो है वो सेग्रीगेटेड है। तो जब मैं लम्स गया तो एक बहुत मेजर कल्चर शॉक लगा पढ़ाई के लिहाज से भी, क्योंकि हमारे जो मैट्रिक और एफएससी है वो एक बिल्कुल रटा सिस्टम पे चलता है। जितने सवाल आपको याद हैं, जितने एक्यूरेटली याद हैं उस पर मार्क्स मिलते हैं, एब्सोल्यूट मार्किंग होती है। लम्स में जब गए तो पहली दफ़ा को एजुकेशन इन इट्स एक्सट्रीम वर्जन जो है हमने देखा, जहाँ पे मर्द और औरत का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बड़ा एक नया वो था। दूसरा जो है वो सारे अंग्रेज़ी मीडियम और बड़ी मुश्किल अंग्रेज़ी जो है वो एक हमने विटनेस की। तो मुझे अभी भी याद है जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो आई कुड नॉट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश प्रॉपरली, और क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जो वो एग्ज़ाम लम्स का था वो रट लिया था, 5000 वोकैबुलरी वर्ड्स रट लिए थे, पूरी ग्रामर रट ली थी। तो वहाँ जाके फिर पता चला कि अच्छा जी, रटने से आगे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, एक सवाल के लिए 200 पेज दे देते कि जी ये पढ़ें और फिर अपनी अंदाज में एक पेज में जो है वो लिखना है। वही स्किल मैं यहाँ पर भी कोशिश करूँगा, जहाँ पर अपने 30 साल जो है वो मैंने 15 मिनट में बताने हैं। लम्स में मैंने डबल मेजर्स किए इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में, माइनर किया फाइनेंस में, और जो है 4 साल मेरे बड़े वहाँ पे अच्छे गुजरे। डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, ये चीज़ें मैंने पहली दफ़ा विटनेस की क्योंकि मैं खुद बड़े पेट्रियार्कल सोसाइटी से आता था और यहाँ पे देख के पहली दफ़ा जेंडर इक्वालिटी, वेमेन राइट्स और इस पर भी जो है काफ़ी मुझे पता लगा कि हम जिस तरह सोचते हैं या जिस तरह ट्रेन होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बड़ी सारी चीज़ें के बारे में बताया ही नहीं जाता। लेकिन लम्स का जो मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ यूनिवर्सिटी का, और हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्ट्रेंथ्स है, नस्ट की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, पास की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और 232 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, हर किसी की अपनी जर्नीज़ हैं। एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर सीखी वो ये थी कि हाउ टू थिंक ग्लोबल, इमेजिन किस तरह करना है, बड़े एम्बिशंस किस तरह होने चाहिए, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किस तरह करना है। तो ये रिजिलियंस और ये हमें सिखाया गया स्टूडेंट सोसाइटीज़ में। फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो सब की तरह मैं भी जो है मुझे हर चीज़ करने का शौक़ था, हर चीज़ पढ़ने का शौक़ था, लेकिन ये नहीं पता था कि करना क्या है। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि हरकत में बरकत है, तो मैंने भी अपने करियर में हरकत में बरकत ही रखी है। और जो है जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ, आई जॉइंट ऑयल सेक्टर के साथ मैंने डायरेक्ट जो है स्टॉक मार्केट्स पढ़नी स्टार्ट की क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था। तो स्टॉक मार्केट्स 2013 में जब मैं लम्स से ग्रेजुएट हुआ तो सीपैक जो है वो बिल्कुल न्यूज़पेपर में नया नया जो है वो आया,
तो मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। जॉब मेरी इस्लामाबाद थी, पहली जॉब जो है वो इस्लामाबाद थी। तो वहाँ पे यहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज हुए, तो मैं कॉन्फ्रेंसेज होते थे तो मैं वहाँ पे जाया करता था और अक्सर जो है नोट्स बना के और सवाल पूछ लेता था टू गेन विजिबिलिटी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक और जो मेजर मसला है या पूरी दुनिया में ऐसे है वंस यू गेट एक्सपोज टू इट, वो ये है कि जी आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा हैविंग अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड कमिंग फ्रॉम अ रूरल साइड एंड देन स्टडिंग लाहौर एंड देन कमिंग टू इस्लामाबाद, आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ पीपल। इन फैक्ट आई डिड नॉट नो एनी ऑफ द पीपल। सो वन ऑफ द फार्मूला वॉज दैट जहाँ पे भी 100 लोग या 50 लोग गैदर हो जाते हैं वहाँ पे मैं सही उल्टे सवाल पूछता था और वेल रिसर्च सवाल होते थे। मैं लोगों को सुनता था, गूगल मेरे पास होता था, उसको उसमें मसले निकालना, क्रिटिकल थिंकिंग करके जो है, तो अच्छा क्वालिटी सवाल से आपको बड़े सारी अटेंशन मिल जाती है और फिर अक्सर कॉन्फ्रेंसेज में लोग बड़े सारे मिलने आ जाते थे जब भी मैं वो सवाल पूछता था। तो सीपैक पे मैंने जो है वो विजिबिलिटी और नेटवर्क बनाने के लिए सीपैक पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन फिर उसके बाद सीपैक खुद इतना बड़ा मंसूबा था कि जो है मैंने ये देखना स्टार्ट किया कि मैं इसे किस तरह फ़ायदा ले सकता हूँ। तो एक और चीज़ जो मैंने की वो ये थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया कि सीपैक जो है वो जहाँ पे कौन से सेक्टर्स को, और मैं समअप करूँगा कि किस तरह करियर शेप होता है। तो स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, सीमेंट में, ग्लास में, जहाँ पे सीपैक को जिन सेक्टर से फ़ायदा हो रहा था। उससे फ़र्क ये पड़ा कि मैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ना स्टार्ट कर दी। मुझे ये पता स्टार्ट हो गया कि अच्छा जी सीमेंट ऊपर जाता है तो उससे कौन से अलाइड सेक्टर्स जो हैं उनको फ़ायदा होता है, फर्टिलाइज़र की प्राइसेस किस तरह मूव होती है, ऑयल की प्राइस मूव होती है तो सीमेंट को क्या होगा, स्टील की प्राइस मूव होती है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को क्या होगा। सो ये अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल जो है पहले एक साल के अंदर पढ़ पढ़ के मैंने काफ़ी बना ली। फिर मेरी विजिबिलिटी सीपैक में उल्टे सवालों की वजह से इतनी बन गई कि एक थिंक टैंक पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट जो है उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उसने कहा जी वी वॉन्ट टू इंटरव्यू यू। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट जो था वो दैट वॉज हेडेड बाई सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और जो है बड़ा क्रिटिकल काम करता होता था ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में, इवन कभी कभी ट्रैक 1 में भी, जहाँ पे सीपैक के ऊपर कल्चरल लिंकेजेस, इनके बिजनेस की फैसिलिटेशन, चाइनीज कंपनीज की गवर्नमेंट के साथ फैसिलिटेशन। सो इन 2014 आई जॉइंड दैट थिंक टैंक बिकॉज इट वाज इन लाइन विद द शैलो एक्सपर्टीज। पाकिस्तान के अंदर हर कोई एक्सपर्ट बहुत जल्दी बन जाता है। अभी रशिया पे जिस तरह सारे एक्सपर्ट बने हुए हैं, तो इसी तरीके से मैं भी शुरू में एक्सपर्ट बन गया 5-6 महीने पढ़ाई करके। वहाँ पे मैं आई जॉइंड एज एन एसोसिएट और अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैड बीन वेरी काइंड, 3 साल के अंदर आई वॉज एबल टू बिकम हेड ऑफ ऑपरेशंस फॉर दैट थिंक टैंक। और तकरीबन 3.5 साल मैंने गुजारे वहाँ पे। मुझे 5-6 दफ़ा चाइना विजिट करने का मौका मिला, बोथ वेस्ट एंड द ईस्ट। मैं एक यहाँ पे एक ख्वाब देखने के बारे में बोलना चाहता हूँ कि ख्वाब देखना क्यों ज़रूरी है। मैं एक शहर है कारामाई, अब चाइनीज़ में इसे कालामाई कहते हैं जिसका मतलब है ब्लैक ऑयल। और वो लिटरली जब मैं उस शहर गया, ये वेस्टर्न प्रोविंस में पड़ता है जो पाकिस्तान के ऊपर शिनजांग लगता है, उसका एक छोटा शहर है। तो 2015 में मैं गया, 2015 में वो डेजर्ट था, डेजर्ट और ज़मीन से ऑयल निकल रहा था, मतलब वहाँ इतना ज़्यादा ऑयल है। और आई एम नॉट श्योर कितना परसेंट ऑफ ऑयल चाइना को वो सप्लाई करता है, बट मैं जब गया वहाँ पे तो ये उरुमची कैपिटल है शिनजांग का, बड़ी डेवलप्ड जगह है, वहाँ से तकरीबन 3 घंटे है। तो 3 घंटे हम बाय एयर गए वहाँ पे। मैं गया तो कोई 25-30 बिल्डिंग्स बन रही थी और बिल्कुल सहरा। तो और वहाँ पे ये लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चाइनीज़ का एक तरीका ये कि जब वो शहर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और सारी गवर्नमेंट एक्टिविटी वहाँ स्टार्ट होती है, ताकि वो एक इकोनॉमिक साइकिल जो है, इकोनॉमिक इंजन रन करना स्टार्ट करें, वहाँ के लोकल दुकानें चलने स्टार्ट करें। तो हम गए तो वो बिल्कुल इसी फेज पे था, नया शहर बन रहा था। तो तकरीबन 3rd दिन जो है वो हमें वो लेके गए एक लेक पे। तो जब वो एक लेक पे लेके गए तो मेरे साथ जो चाइनीज़ ट्रांसलेटर था, मैंने उसे पूछा ये सहरा के दरमियान लेक कहाँ से आ गए।
तो उसने कहा ये हम 600 मील दूर से ये लेक लाए हैं और ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है। तो जैसे उसने मुझे ये बताया तो एकदम से मैं अपने दोस्तों के जो कॉन्वर्सेशन जो हम सीपेक पे करते थे कि गवादर में तो पानी नहीं है, तो एकदम से मुझे वो क्लिक किया कि फॉर द चाइनीज दिस इज वेरी नॉर्मल बिकॉज दैट इज द स्केल दैट दे हैव अचीव्ड, जहाँ पे वो 600 मील एक बहुत बड़े लेक के बारे में इतने कैजुअली बात करते हैं और हमारे यहाँ पे 10 किलोमीटर की रोड पे 4 साल और 3 हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस था गवर्नेंस पे और उस वजह से और फॉर मी आई बिकेम अ बिग स्टूडेंट ऑफ चाइना एंड अंडरस्टैंडिंग के सन 1960 में जहाँ पे हम उनसे काफ़ी आगे थे वहाँ से 2020 या 2015 में उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो आज जो है जो डिफैक्टो यूएस पावर थी यूएस एज अ ग्लोबल पावर वो उससे थ्रेटन फील कर रहे हैं। हाउ डिड दे ग्रो फ्रॉम मेरली अ 500 to 600 billion dollar इकोनॉमी टू अ 12 to 13 trillion dollar इकोनॉमी? तो वहाँ पे फिर मैं बड़ा ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज के साथ चाइनीज़ थिंक टैंक्स के साथ बड़ा सारा मैंने काम किया और तकरीबन 2016 में आई रियलाइज्ड कि मैंने 4-5 साल काम करके एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है और सीपेक के अंदर यूथ की अपॉर्चुनिटीज़ चाइना पे अवेयरनेस इसमें बहुत बड़ा फुकदान है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा फुकदान है। सो नॉर्मली जब हम चाइना को पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, मैं खुद जी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो यूनिवर्सिटी में हम सारा वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम मुझे यूरोप के कोई शहर पूछ लें, अमेरिका के कोई शहर पूछ लें, इनकी टेक्नोलॉजीज पूछ लें, इनके इकोनॉमिक्स पूछ लें, सब हमें पता है। बट जब हम चाइना के बारे में बात करते हैं तो एकदम से याद आते हैं ओ 2 नंबर 3 नंबर राइट। बट जब आप चाइना बीजिंग आप जाते हैं या आप शंघाई जाते हैं, शंघाई में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो उनके रेलवे टनल्स है वो 5 levels पे, ठीक है, दुनिया में बड़ी चंद जगहों पे, यूएस में नहीं है, इंग्लैंड में है, बट बीजिंग से चाइना में आपको बुलेट ट्रेन्स मिलेंगे। सो उस तरह की डेवलपमेंट देख के आई बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ चाइना एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द पिवट इन माई करियर्स कि मैंने इतना कुछ उनका पढ़ा और समझने की कोशिश की और मैंने वो सजेशन जब पाकिस्तान में देनी स्टार्ट की, चाइनीज कंपनीज को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, तो 2016 के एंड तक आई रियलाइज्ड कि जी अब मैंने खुद अपना कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि ख्वाब हम क्यों ना देखें, एक चीज़ जो मुझे नहीं सिखाई गई पूरी ज़िंदगी मेरे अपनों ने मेरे यूनिवर्सिटी में, सही है, वो ये थी कि अपनी चीज़ जो है हम कुछ कर सकते हैं एंड दैट वॉज द कोर फिलोसफी बिहाइंड माई एम्बिशन टू डू समथिंग वेयर आई क्रिएट माई आइडेंटिटी। जी छोटी सी जिंदगी है, सब कुछ बंदा छोड़ के जाता है, ठीक है, अभी भी मैं कल किसी से बात कर रहा था, अल्लाह उन्हें मग़फ़रत नसीब अता फरमाए, रहमान मलिक साहब है, ग्लोबल बड़ी बहुत बड़ी नेशनल पर्सनालिटी है, ठीक है, लेकिन वो छोड़ के गए हैं तो वो लेगेसी छोड़ के गए हैं जो उसने इस उसमें की। सो मेरी भी मेन जो एक वो थी कि कुछ अपना करना है, दिस वॉज वन एम्बिशन। द सेकेंड वॉज कि चाइना जो यहाँ पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं उसको यूथ या प्राइवेट सेक्टर सीरियस नहीं ले रहा एंड दैट्स वेयर माई कंपनी अपॉर्चुनिटी केम इन। सो मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस था, मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, अपॉर्चुनिटी बनाई, अपॉर्चुनिटी 2 words से मैंने निकाली, एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका मतलब है मौका और दूसरा जो था जो फ्रंट है ओबोर वो है OBOR, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड चाइना का एक ग्लोबल मनसूबा है जिसमें 6 corridors हैं और 1 corridor सीपैक है, बाकी वो 80 मुल्कों में है। दुनिया में सिर्फ 2 दफ़ा इतने बड़े पैकेजेस ऑफर हुए हैं, एक मार्शल प्लान था वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब यूएस ने यूरोप में मार्शल प्लान वो किया था, वो आज के उस वक्त $20 billion था या $30 billion था, आज अगर इन्फ्लेशन मिला के आप देखें तो वो 200 से 300 billion dollar बनेगा। चाइना का वन बेल्ट वन रोड, अभी उसका नाम बेल्ट एंड रोड है, बेल्ट एंड रोड जो है वो $2 trillion है, जो मतलब है $2,000 अरब, जिसका $60 अरब जो है वो पाकिस्तान में कमिट हुआ, जो कि 2.6% है, 97.4% बाकी कोई 80 मुल्कों में। सो द आइडिया वॉज के हम अपने यूथ जो कि 13 करोड़ बच्चे जो अंडर 30 है, हाउ डू वी एजुकेट दैम कि जो नई मार्केट सेंट्रल एशिया यूरोप मिडल ईस्ट ये सारे लिंकेजेस हो रही हैं
इतना ज्यादा पैसा वहां पे फनल हो रहा है, हाउ डू वी इनेबल आर प्राइवेट बिजनेसेस और आर यू टू टैप इनटू दीज अपॉर्चुनिटीज। सो उसमें हमने बड़े सारे तकरीबन 3,500 स्टूडेंट्स चाइनीज लैंग्वेज में ट्रेन किए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, शिफा यूनिवर्सिटी से लेके। सो एक पूरा एजुकेशन का वर्टिकल बनाया हमने, फिर उसके बाद कंसल्टिंग का वर्टिकल बनाया जहाँ पे बड़ी सारी चाइनीज कंपनीज, इवन फॉरेन गवर्नमेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, उधर हमने एक प्रपोजल डाला जिसमें मुझे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स मिला। मैं गया वहाँ पे एज अ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स फेलो ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रूल ऑफ लॉ। 2 महीने मैंने ANU लॉ कॉलेज में गुजारे, तकरीबन आई थिंक 13th इन द वर्ल्ड है। सो फॉर मी, अगर आप पूछें कि कोहाट में मेरा ख्वाब क्या था, कोहाट में मेरा ख्वाब ये था कि मैंने मेरी मैट्रिक बोर्ड में पोजीशन आई 3rd, तो जो है 2003 की बात है। तो 2003 में एक पैकेज था कि जो भी बोर्ड टॉपर्स होंगे उनको लाहौर बुलाते थे, करवाने इल्म फाउंडेशन होता था और 50,000 लाख रुपए मिल जाते थे। तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा लाहौर जो है इस तरह एक करवाने इल्म पे गया। तो जब मैं वापस आया, 3 दिन मैंने वहाँ लाहौर देखा, तो मेरा ख्वाब अगले 2 साल ये था कि मैंने लाहौर जाना है, सिटी ऑफ लाइट जाना है। ये टोटल ख्वाब था, मुझे ये नहीं पता था कि क्या करना है। ठीक है, सो ख्वाब भी एक्सपोजर से एवॉल्व हुए। तो चाइना गया, उधर देखा तो ख्वाब और एक्सपैंड हुआ कि जी अब जो है वो कुछ इस तरह का करते हैं कि हम इनके एक्सपेंशन से राइट इन द नेबरहुड, हमारे अच्छे दोस्तियाँ और ताल्लुक हैं, हम अपने यूथ को इनेबल करें, उनके ख्वाब बड़े करें। क्योंकि आप जब ख्वाब बड़े करते हैं वो खुद ब खुद फिर जो है अपने रास्ते खुद ब खुद बनाते हैं। तो ये 13 करोड़ बच्चे हैं, फिर प्राइवेट बिजनेसेस हैं, तो इस पर हमने बड़ा सारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। चाइनीज़ गवर्नमेंट से लेके बड़े बैंक्स की सब कॉन्ट्रैक्टिंग से लेके रिसर्च में, एजुकेशन में, इंटरनेशनल डेलीगेशन में जो है हमने काफ़ी 3-4 साल काम किया। फिर इस तरीके से इसी दौरान एक मेरी बड़ी फ्लैगशिप हमारी ब्रेक थ्रू हुई। आई फील वेरी प्राउड दैट वी बिकेम द ओनली प्राइवेट कंपनी विच पार्टनर्ड विद द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। उनके साथ हमने CPEC पे एक 18 दिन का प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें 45 इवेंट्स थे अक्रॉस 3 सिटीज, इस्लामाबाद, गवादर और बीजिंग। 5 दिन बीजिंग में, 3 दिन गवादर में और 5 से 8 दिन इस्लामाबाद में। और हमने CEOs ऑफ बिग कंपनीज इन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में किया कि प्राइवेट सेक्टर को लाएं CPEC के पॉलिसी मेकिंग में, इनको चाइना लेके जाएं, जॉइंट वेंचर्स क्रिएट करें। और उससे बड़ा फ़ायदा भी हुआ। और उसके बाद जब वो हमने इम्प्लीमेंट किया तो ND अपॉइंटेड मी एज अ स्पॉन्सर डायरेक्टर, जो कि काफ़ी सीनियर एक पोजिशन है 2018 में ND फॉर द वर्कशॉप। फिर कोविड आया, वी कुड नॉट कंटिन्यू, इंशाल्लाह वो जब होगा तो वील दोबारा से वो। लेकिन उस फोरम से मैंने ये सीखा कि बहुत बड़े बड़े CEOs जो हैं वो भी हमारी इंफॉर्मेशन को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे और दे वर विलिंग टू पे बिग अमाउंट ऑफ मनी टू गेट दैट इंफॉर्मेशन, टू गेट दैट एक्सेस, जो कि ओवर टाइम मैंने अपने करियर में बनाया था उल्टे उल्टे सवाल करके। ठीक है, और वहाँ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे मैंने काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल की। बड़े सारे यहाँ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में, कॉन्फ्रेंसेस में चाइनीज कंपनीज के साथ, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे काम किया, उनको मार्केट किया, इन्वेस्टर्स लाए। और इसी का बैकग्राउंड देखते हुए फिर जो है आई गॉट इन्वॉल्व विद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी में काफ़ी जो है जब मैंने ज्वाइन किया तो ये बिल्कुल एक छोटा सा एक नया लॉ था, 2020 दिसंबर में बना था और मार्च 2021 में मैंने ज्वाइन किया। और ये फिर ऑर्डिनेंस से इसको एक्ट में कराना, नेशनल असेंबली में प्रेजेंट करना, सेनेट में प्रेजेंट करना, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्ली बड़े चंद इस तरह एक्ट होंगे जिसमें यूनानिमस अप्रूवल आते हैं। सो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी का जो एक्ट है, जो लॉ पास हुआ है, ये उन चंद लॉज में से जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ने स्टैंडिंग कमेटी में, फ्लोर पे, नेशनल असेंबली में और सेनेट में, दोनों में यूनानिमस अप्रूवल से पास हुए। और ये उन दिनों
की बात है, अगर आपको अभी इस साल अभी अक्टूबर 2021 में हुआ जब पॉलिटिकल जो राइवलरी थी वो बड़ी पीक पे थी, बट क्यों ये लॉ पास हुआ? वो लॉ इस वजह से पास हुआ क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। और मैं खुद ये मानता हूँ कि जिस एरा में हम आ गए हैं 21st century, दिस इज़ द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर पहले हम जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थे तो फैक्ट्री, सेमी स्किल्ड लेबर, रॉ मटेरियल, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि कोई फिनिश गुड बने। सो फॉर अगर मैंने लाइट बनानी है तो मुझे सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, मुझे फैक्ट्री चाहिए और वो 10,000 लाइटें बनाता है, फिर मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वहाँ पे की चीज़ जो है वो ह्यूमन ब्रेन है। आपके पास लैपटॉप हो, आप बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट है, एंड यू कैन कोड अ प्रोग्राम दैट कुड सेल फॉर $1 million। $1 million क्या है? 16 करोड़ रुपए। और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, फ्रीलांस में कर रहे हैं, बड़े सारे एंटरप्राइज कंप्यूटिंग में कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे ही बच्चे जो हैं वो इस वक्त मिडल ईस्ट में धड़ाधड़ जा रहे हैं, US जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वी वर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी। सो जब मैंने ये ऑर्डिनेंस पढ़ा और जब मैंने इसको इसके पीछे विजन देखा तो मुझे अपना नेक्स्ट वो मिला कि CPAC के बाद जो है मैंने अब जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ करनी है वो ये करनी है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए हमारे नौजवानों के लिए कि अगर तो वो मेहनत करना चाहते और वो इस दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पाकिस्तान से किस तरह कर सकते हैं। एंड दैट्स वेयर द स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स अथॉरिटी कम्स इन। एंड मेरा जो यहाँ पे रोल है वो मैं ओवरऑल पाकिस्तान की प्लानिंग देखता हूँ कि ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन, देन वी विल टॉक मोर अबाउट इट आगे। बट मैं ये देखता हूँ कि कहाँ कहाँ ये ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी ज़ोन बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी तकरीबन 14 हम प्लान कर रहे हैं और जो है इन ऑल प्रोविंसेस, जहाँ पे एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो उसके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हों। और ये एक मेरा ख्वाब है कि जब मैं 60 साल का हूँ या आज से 30 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद जब मेरे बच्चे मुझसे पूछें कि आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए, तो मैं उनको दिखा सकूँ कि जी मैंने ये किया और मैंने अपनी कोशिश की। बाकी हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, बट ये मेरी एक छोटी सी जो है वो कहानी है जी। स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स अथॉरिटी क्या है और स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स क्या है, ये सवाल मैं दो में डिवाइड करता हूँ। सो स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स अथॉरिटी 6 अक्टूबर 2021 को एक लॉ पास हुआ और जिसके अंडर ये एक अथॉरिटी बनी, जिस तरह वापडा है, ओग्रा है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जैसा पीटीए आप मोबाइल पे जो टैक्स देते हैं तो पीटीए करती होती है, इसी तरह स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स अथॉरिटी है। और इसका काम जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी ज़ोन्स डेवलप करना और करवाना है, और दूसरा जो काम है वो ये है कि ये लाइसेंसिंग देती है। हमारे लाइसेंसिंग पे बेसिकली हम क्या लाइसेंस करते हैं, हम लाइसेंस बेसिकली करते हैं, आपने एक स्टार्टअप बनाया, सुबह से एक बच्चा उसने एक स्टार्टअप बनाया, वो स्टार्टअप बनाता है, वो आता है स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स अथॉरिटी के पास और वो कहते हैं जी मुझे जो है वो एक आप लाइसेंस दे दें और मुझे ताकि और मुझे रेंटल सब्सिडी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो उनको लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस पे उसको 10 साल के टैक्स हॉलीडे मिलते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं जहाँ पे वो पैसे बाहर भी बेच सकता है, पैसे बाहर से रिसीव भी कर सकता है और डॉलर्स में रख भी सकता है। सिमिलरली उसने लैपटॉप इंपोर्ट करना है उस टेक्नोलॉजी जोन के अंदर, तो वो टेक्नोलॉजी जोन जो है उसको वो टैक्स नहीं पड़ता, कस्टम्स नहीं पड़ते, तो जो लैपटॉप उसको 2 लाख का कॉस्ट कर रहा था पहले कस्टम्स के साथ, अब वो 1,30,000। सो इट्स अबाउट डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन क्या है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बड़े सिंपल अल्फाज में जो है वो समझाऊँ। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन एक लैंड पार्सल है, एक एरिया है, सो फॉर इंस्टेंस 100 एकड़ की एक जगह है जिसको अथॉरिटी कहती है जी ये अब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है। उस टेक्नोलॉजी जोन के अंदर हम टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो इनवाइट करते हैं कि वो आए इन्वेस्ट करें। ये टेक्नोलॉजी जोन बेसिकली बनता इस वजह से है दुनिया भर में, दुनिया भर में हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, दुनिया के अंदर 2000 से ऊपर टेक्नोलॉजी जोन हैं, इंडिया के अंदर 300 हैं,
और इंडिया जो है वो जब सन 2000 में था तो $1 बिलियन एक्सपोर्ट करता था, आज $140 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके टेक्नोलॉजी जोन जो हैं वो एज इंजन ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बन गए। अब इस टेक्नोलॉजी जोन के अंदर मैं आपको एक इमेजिनेशन देता हूँ। सो इस्लामाबाद में हम अभी 140 एकड़ पे टेक्नोलॉजी जोन बनाने लगे, और इंशाल्लाह ताला 2-3 साल के अंदर जब आप इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी जोन में जाएंगे, जिसको हम इस्लामाबाद टेक्नोपोलिस कहते हैं, तो जैसे ही आप गेट से एंटर होंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत R&D सेंटर होगा, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का। मैं क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं ज़्यादा नाम नहीं ले सकता प्राइवेट कंपनीज का या बड़ी कंपनीज का, बट एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम आप जानते होंगे, जिसके लैपटॉप आप इस्तेमाल करते होंगे, उसका शायद R&D सेंटर होगा। आगे जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन हाई टेक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली नहीं, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। उससे आगे जाएंगे तो आपका एक मज़ेदार जो है ना बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, और उसमें स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स होंगे, एक्सेलरेटर्स होंगे, बिल्कुल उसके साथ जो है एक बहुत खूबसूरत टावर बना होगा, जो कि एक पाकिस्तान के सबसे बड़ी कंपनी या 3-4 कंपनियाँ जो हैं उसमें उसके कोई 3-4 हज़ार एम्प्लॉइज़ बैठे होंगे, और ये बहुत खूबसूरत एक जो है एक बहुत खूबसूरत जगह होगी। जिस तरह आपकी बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या अच्छे कैंपसेस होते हैं, और उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये खूबसूरत क्यों होती है। सो ये एक आपको मैंने एक विजन दे दिया। अब जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, पे अभी आप जाते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए मिडिल ईस्ट के पास, हमारे जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी का जो मेन मैंडेट है वो ये कि जो कंपनी के लिए जॉब के लिए आप दुबई जाते हैं वही कंपनी आपके पास टेक्नोलॉजी जोन में आ जाए, और उसको इनेबल करने के लिए कुछ खदुखाल हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी जोन विल लुक लाइक। इसी तरह आपका जो लाहौर का बन रहा है वो 800 एकड़ का है, वो तो पूरा एक छोटा सा मिनी शहर बने, टाउन बनेगा, ठीक है, जो कि लम्ब से 8 मिनट की दूरी पे है, 10 मिनट की दूरी पे, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 15 मिनट की दूरी पे है। और मैं यूनिवर्सिटी का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में या टेक्नोलॉजी में ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो तो हम मेनली चीज ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कितने करीब है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलेगा वही यहां पे सीखेगा, वही जो है हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। और इसकी मिसाल पहले मैंने इसको हल्का सा टच किया, वो इस वजह से है क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इवॉल्व कर गई है। वो क्यों इवॉल्व कर गई है, वो इस वजह से इवॉल्व कर गई है क्योंकि अगर हम देखें ना स्टीम इंजन जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आया और हम 20th सेंचुरी में आए, तो आपकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको बड़े गौर से सुने। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये है कि अगर तो मैंने एक गाड़ी बनानी है, उस गाड़ी के लिए मुझे एक फैक्ट्री चाहिए, मुझे उसके लिए सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड या वोकेशनली ट्रेंड। वोकेशनली ट्रेंड लेबर क्या है, वोकेशनली ट्रेंड लेबर ये है कि जो बड़े बारीकी से कोई स्पेसिफिक काम कर सके, ठीक है, वो चाहे इतनी छोटी से नट बनाने से हो या वो जो है एक स्क्रू बनाना हो, बड़े बड़ा स्पेसिफिक। इसी तरीके से रॉ मटेरियल्स, ठीक है कि उसका जी बेसिक जो है वो आयरन कहाँ से आएगा जिससे वो स्टील बनेगा या उसने एलुमिनियम बनाना है, वो सारा कुछ मिला के वो एक जो है फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। वो फिनिश प्रोडक्ट गाड़ी निकलते हैं, उस गाड़ी को आप इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री जो है वो 500 बनाती है महीने का, 5,000 बनाती है। लेकिन अच्छा, अब इसका ये अक्सर इन चीज़ों के लिए बनी थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसका हम बार बार सुनते हैं, CPEC के अंडर भी है, दुनिया भर में बनी है, लेकिन ये 70s और 60s और 80s में बहुत सारी बनी जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंटरनेट है, वो हार्डवेयर है, हाईटेक हार्डवेयर, लैपटॉप हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, और ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल कौन है, हमारा नौजवान। हमारी अथॉरिटी में भी एवरेज एज जो है वो 30 है, मैं एज अ डायरेक्टर 31 हूँ, गवर्नमेंट के अंदर 31 के डायरेक्टर्स बड़े कम आपको मिलेंगे। लेकिन इशू ये कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो अंदर 30 या यंगस्टर्स को समझ आती है, और इसमें ये नहीं है कि हमारी पुरानी जनरेशन जो है वो बेवकूफ़ है या उनको समझ नहीं है। अक्सर मैं यूथ को सुनता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि जी ये बड़े हमारे सुनते नहीं हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये समझते नहीं हैं।
ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, वो बिल्कुल समझते हैं इसके इंपॉर्टेंस। टेक्नोलॉजी अपने आप को 5 साल में ऑब्सोलीट करती है। 20 साल पहले अगर मैं आपको ये कहता कि एक मोबाइल होगा जिस पे आप वीडियो कॉल कर सकेंगे, तो मतलब मुझे कोई भी ये बात कहता तो मैं हंसता कि भाई ये आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी भी इसी तरह है। सो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है वो इस एरिया में मेनली ये देखती है कि यूनिवर्सिटी कितने करीब है। अगर करीब नहीं है तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनेगी ताकि बच्चा वहां पे ट्रेन हो। सिमिलरली फिर हमारे स्किल डेवलपमेंट हम लाना चाह रहे हैं, और लेकिन स्किल डेवलपमेंट में टॉप ऑफ द लाइन लाना चाह रहे हैं, लोकल भी लाना चाह रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे इंडस्ट्री या अच्छी कंपनीज जो हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज के लिए, वो किस तरह टीचिंग में आए, किस तरह शॉर्ट कोर्सेज आए। और ये बूट कैंप्स, इसको बूट कैंप्स कहते हैं। ये बूट कैंप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जब सन 2010 के अंदर अमरीका और यूरोप में एक चीज़ ये रियलाइज हुई कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है कि जो यूनिवर्सिटीज़ अपना करिकुलम चेंज करती है वो 3-4 साल 5 साल में अपडेट करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी 1 साल में इवॉल्व हो रही है या 2 साल में इवॉल्व हो रही है। तो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस दी शॉर्ट कोर्सेज जो कि बड़े स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करते हैं। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिस पे मैं आजकल पर्सनली बड़ा पैशनेटली काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आपको याद क्या हर किसी के साथ ही होता है, जब से आप पैदा होते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं तो घर वाले कहते हैं या आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। आप कोई और तीसरी चीज़ बताएं ना, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं जो है वो इकोनॉमिस्ट बनना चाहता हूँ, स्पेशली फार फ्लंग एरियाज पे। अर्बन सेंटर्स पर भी अच्छे हैं, थोड़े से यहाँ पे एक्सपोजर है, लेकिन अगर आप हंगू कोहाट में कहेंगे ना कि जी मैंने इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है, तो लाइफ बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन कि जी मैं क्यों डॉक्टर है। अब उसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। अब इंजीनियर्स का अगर इंजीनियर्स देख रहे हैं, इंजीनियर्स जो है फॉर इंस्टेंस स्टैट्स उनके लिए बड़ी गपशप लगती है। वो तो देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो देखते हैं फोरियर सीरीज, बड़ी एडवांस मैथमेटिक्स, लेकिन और जब वो ग्रेजुएट करते हैं तो एवरेज उनको सैलरी अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री में मिलती है एज अ फ्रेश इंजीनियर 30,000 मिलेगी, 35,000 मिलेगी, 40,000 मिलेगी। लेकिन वही इंजीनियर जब 3 महीने का बूट कैंप लेता है पाइथन पे, जो कि वही स्टेटिस्टिक्स है, वही रिग्रेशन मॉडल्स हैं, और वो उनके लिए बड़ी इजी मैथ है, लेकिन उसको सिर्फ प्रोग्राम करना, एक सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम करना दिखा दी और विजुअलाइजेशन दिखा दी उसकी। सो ये स्किल इतना ज़्यादा शॉर्ट है इस वक्त दुनिया में कि शायद विद इन 3 months ऑफ दैट स्किल ही विल गेट 5 to 10 जॉब ऑफर्स फ्रॉम लोकल इंडस्ट्री। अब फॉरेन तो छोड़ें, फॉरेन की तो शॉर्टेज, एक स्टडी है कॉर्न फेरी, बहुत बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल, ये अमेजोन से लेके IBM से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके सारे यही रिसर्च इस्तेमाल करते हैं, मैकिन्ज़ी की, कॉर्न फेरी की। तो वो 2018 में जब कोविड नहीं आया था, 2018 में ये बात वो ये कह रहा था कि कॉर्न फेरी की रिपोर्ट ये कह रही थी कि 2030 में 7.5 करोड़ से लेके 37.5 करोड़ जॉब्स होंगी जिसके लिए लोग नहीं है। एंड दैट्स वेयर आर किड्स कम इन, बिकॉज जो दुनिया में चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो या चाहे यूएस हो, बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, यंगस्टर्स कम हो रहे हैं। हमारे वाले जो हैं वो इस तरह हैं, फिलहाल हमारा पिरामिड है, 60% जो है वो यंगस्टर बैठा हुआ है, और उसमें भी मेजर आपका स्टेम बैठा हुआ है। स्टेम जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं। यही स्टेम हमारे पास इतना ज़्यादा है, वही बच्चा जो 25,000 आज कमा रहा है उसको 3 महीने का कोर्स करा के उसी स्किल पे वो मल्टीप्लाई बाय 5 इमीडिएटली हो जाता है, उसकी एक्सपोर्टेबल स्किल है। फिर दूसरी खूबसूरत चीज़ जो मैं 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप आज स्किल सीखें, कल यही से बैठ के, बल्कि आप चिचवतनी बैठ जाए, आप हंगू बैठ जाए, इंटरनेट चाहिए, उधर से बैठ के आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। यू डोंट नीड एनी मशीनरी, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, you could be talking and selling to person in US, UK at the same time, ठीक है। पर वही एक अच्छा, so थोड़े से dynamics of economics change हो गए, so जो changing 21st century economics है उसके लिए special technology zones है, और उसके लिए special technology zones authority है, और special technology zones authority में आपको बहुत सारे youngsters मिलेंगे, ठीक है, जो कि बड़ा rigorous process से अंदर आए हैं, but जो even चेयरमैन साहब हैं उनका अपना भी विजन ये है कि एवरेज
एज ऑफ द अथॉरिटी शुड बी यंग सो दैट दे रिमेन कनेक्टेड टू द टेक्नोलॉजी सेक्टर. बिकॉज इवन माई सेल्फ एट द एज ऑफ 31 आई स्ट्रगल विद सम कॉन्सेप्ट. मेरे सबसे शार्प बच्चे या हमारे सबसे शार्प लोग सबसे यंगेस्ट हैं यहाँ पे, जो सबसे इनोवेटिव आइडियाज हमारे पास लाते हैं. और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी डोंट गेट इनसिक्योर ऑफ दोज सजेशंस और देर वो. क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर एक इम्पॉर्टेंट मैनेजर भी हूँ अपनी टीम का, और मेरी टीम के एवरेज एज जो है वो मेरे ख्याल में 26 या 25 पे आती है. तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो उनको मैं एक बात ये समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि शायद मेरे साथ मेरे मैनेजर्स ने नहीं की, बट आई थिंक ये माइंड सेट चेंज भी है जो अब हमारे यंगस्टर्स में आ रहे हैं, जो नए 30s 35 या 40s में आ रहे हैं. और वो ये है कि अगर तो 30 साल में मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपको मैनेज कर रहा हूँ, तो वेन यू टर्न 30 यू शुड बी एटलीस्ट 40% अहेड ऑफ मी. दैट्स हाउ यू क्रिएट लीडर्स. इफ आई गो ऑन अ रीजनल लीडरशिप लेवल देन माई colleagues who were younger to me and I was managing them should become global leaders. That's what managers do. And I think Pakistan ke andar ek major jo mentorship ka jo ecosystem hai wo abhi bada recent 8-10 saal mein aaya hai jo ke bahut zyada tezi se multiply kar raha hai. Aur I think usme technology again jis tarah main abhi aap baat karu, aap kahan pe baithe hain, main kahan pe baitha hu, but ye bhi sari mentorship hai, ek perspective hai. STDs क्यों सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? हम कुछ नया नहीं कर रहे. दुनिया में सन 1990 में हमारे साथ एक हमें चेयरमैन साहब एक कहानी सुना रहे थे कि एक साउथ कोरियन प्रोफेसर थे, वो 2012 या 2013 में जो है पाकिस्तान का विजिट किया. तो जब उन्होंने पाकिस्तान को देखा तो वो बड़ा जो है ना अफसरदा हो गया. तो अफसुर्दगी का इजहार उन्होंने इस तरह कुछ इस तरह किया, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं, मैं पैराफ्रेज करूँगा कि उन्होंने कहा जी कि आप तो 60s में हमसे आगे थे, आप कहाँ रह गए, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर पास्ट 30-40 years. एंड ही वाज विजिटिंग पाकिस्तान इन फैक्ट आफ्टर 20 or 25 years. सो पाकिस्तान वॉज कंसिडर्ड एशियन टाइगर. एंड आई थिंक जो हमारे पास इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है वो ये अपॉर्चुनिटी है कि अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग कि क्यों कोई पाकिस्तान आएगा. पाकिस्तान अब इस वजह से बंदा आएगा क्योंकि हमारे पास ब्रेन पावर है और हमारे पास स्किल पावर है. अगर आप इस वक्त आईटी के एक्सपोर्ट्स देखें तो इट्स ग्रोइंग एट अ 40% रेट ईयर ऑन ईयर. ठीक है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट सुने, आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब के, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, बट व्हाई हैज टेक्नोलॉजी become relevant all of a sudden in Pakistan? That's because the world does not have young population. Or Pakistan, I mean, main aksar mazak karta hu, I don't know appropriate mazak ya nahi, but I'll still take the opportunity to sort of say it. Main aksar ye doston ke sath mazak karte rehta hu ke Pakistan ka ek jo out of ignorance humne jo ek cheez नहीं की वो थी फैमिली प्लानिंग. ठीक है, और दड़ बच्चे पैदा कर दिए. ठीक है, अब वो या तो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी को 7-8% पे ग्रो नहीं करवाते और हम जॉब्स क्रिएट नहीं करते, तो मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना यहां पे कि उसने क्राइम कर लिया, इसको जेल पे डालें. लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, एक ऐसे सोसाइटी का पार्ट हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे भूखे पेट नहीं सो रहे. मुझे नहीं पता मेरे मॉरल और एथिकल वो कहाँ होगी जब मेरा बच्चा भूख से मर रहा होगा, तो क्या मैं गाड़ी नहीं चुराऊंगा या क्या मैं जो है वो चोरी नहीं करूँगा. दीज आर द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स. और अब ये जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी, हर साल तकरीबन 40-45 lakh बच्चा जो है वो 18 साल की उम्र पर आता है. ठीक है, उसमें सिर्फ 9% यूनिवर्सिटी में जाता है. बहुत बड़ी तादाद जो है वो अनस्किल्ड है, वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही. कोई 5वीं क्लास में जा रहे हैं, कोई 10वीं क्लास में जा रहे हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी जो है वो जॉब्स खा जाएगी. तो इसका एक मैं कहीं पढ़ रहा था, एक थॉट लीडर था, मैं आई कांट रिकॉल हिज नेम क्योंकि ये एक्सटेम्पोर टाइप है, तो आई विल जस्ट
मैं फिर बता भी दूंगा या कई कमेंट्स में डिस्क्लोज कर दूंगा कि ये किसने बोला था। तो उसने कहा जिस तरह थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो उसने ग्लोबल वर्किंग क्लास क्रिएट की, ठीक है, जिसको यूरोप में बुर्जुआ कहते होते थे, और ये बेसिकली हम आजकल के मिडिल क्लास और ये सारी उसकी पैदावार है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इसी तरह फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ग्लोबल यूजलेस क्लास क्रिएट करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑटोमेशन हो जानी है कि जो जिसने प्रॉपरली एजुकेशन नहीं किया, जिसने प्रिपरेशन नहीं किया, उसके पास कुछ करने का होगा ही नहीं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी, टेस्टिंग हो रही है, चाइना में हो रही है, यूएस में हो रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, ड्राइवरी जो है वो मसला हो जाएगा। मैं एक और आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ विच विल रेजोनेट विद यू, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो बहुत खूबसूरत चीज है, बड़े सारे लेसन आप सीखते हैं। 1980s में जब कंप्यूटर आया तो आउट ऑफ विद इन 10 ईयर्स एक बहुत बड़ी और सोफिस्टिकेटेड क्लास आउटडेट हो गई विद इन सेकेंड्स, विद इन दैट डेकेड। टाइपराइटर्स, जितने टाइपराइटर्स थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई क्योंकि कंप्यूटर आ गया, ठीक है। सिमिलरली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डूब गई क्योंकि मोबाइल आ गए, ठीक है, आपके टेलीफोन के बड़े सारे आपके जो है। सो अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो टेक्नोलॉजी इस तरह इवॉल्व होती है, इंडस्ट्रीज आउटडेट होती जाती है। बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट की जो ग्लोबल यूजलेस क्लास पर मैंने बड़ा वो किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो ग्लोबल यूजलेस क्लास के काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जहां पे टेक्नोलॉजी आउटडेट करती है वहां पे 10 और नई क्रिएट करती है जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज। द क्वेश्चन इज वी एज ह्यूमन बीइंग्स, वी एज कंट्री, हाउ डू वी स्ट्रेटजाइज, हाउ डू वी क्रिएट अ स्ट्रेटजी कि हमारे बच्चे 2030 और 2035 के टेक्नोलॉजीज के लिए कंप्लीट वो। फिर दूसरा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो ये आता है प्लानिंग का, और मैं क्योंकि डायरेक्टर प्लानिंग में, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट। अगर आप मुल्कों को देखें ना, जितने मुल्क इवन नाउ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दे टॉक अबाउट 15 years, 20 years, चाइना टॉक्स अबाउट 50 years, एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ अप्रोच। अगर तो STZA आया तो अक्सर मुझे होते जी वो टेक्नोलॉजी जोन कब बन जाएगा, तो हम कहते हैं जी अभी जरा टाइम लगेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग, अ लॉट ऑफ न्यू नॉलेज दैट वी हैव टू एब्जॉर्ब, कि भाई हम एक वर्ल्ड क्लास डेमोंस्ट्रेशन किस तरह बनाएं कि वो मशरूम ग्रोथ करे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अगर हमने पहला गलत कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंट्स और फेलियर्स इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं होते, जबकि मुल्क बाहर की दुनिया में स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में फेलियर्स आर इनकरेज्ड कि आप फेल करें ताकि हम सीखें, फेल फास्ट करेक्ट। अगर आप चाइना देखते हैं, आप यूएस देखते हैं, ऑल ऑफ देम हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स बट दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पॉलिसीज एंड इंक्लूड देयर लर्निंग्स एंड लेसन्स। एंड मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल दूं, मैं जहां जहां से फेल हुआ हूं, या मैं अगर कहीं पे फेल हुआ हूं किसी चीज में, किसी बिजनेस इनिशिएटिव पे, दैट हैज गिवन मी मोर लर्निंग देन माय सक्सेस। सक्सेस मेक्स यू ओवर कॉन्फिडेंट एंड प्रोन टू मिस्टेक्स। तो इसमें भी टेक्नोलॉजी जोन्स के अंदर हमारा बड़ा ज्यादा फोकस है इन स्पेसिफिक उसके। और फिर टेक्नोलॉजी जोन्स का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है वन विंडो। और वन विंडो का कॉन्सेप्ट ये है जो हम इन्विजन कर रहे हैं कि 2 से 3 साल में वी रीच इट एट अ पॉइंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल इंडस्ट्री है कि अगर तो एक बंदा पाकिस्तानी सैन फ्रांसिस्को में बैठा हो और वो वहाँ पे किसी बड़ी कंपनी से बात करते और वो कहते हैं जी आप $1 million में बना रहे हैं, मैं आपको जो है वो $3 lakh में बना के दे दूंगा। सो वो वहीं से बैठ के एक कंपनी खोल सके, बैंक अकाउंट खोल सके, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जोन के अंदर रेंट कर सके और यहाँ पे हायरिंग कर सके बच्चे, और जिसके लिए हम एक प्रॉपर एक स्किल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं वो कौन से स्किल्स में आ रहे हैं, उनको मैप किस तरह करें, उनको दुनिया को ऑफर किस तरह करें, क्योंकि जब तक हमारी विजिबिलिटी नहीं आएगी तो ये इश्यूज होंगे। सो तीसरा जो इंपॉर्टेंट आइटम इसका है वो है द खूबसूरती ऑफ टेक्नोलॉजी जोन्स। सो हम मिलेनियल्स और जनरेशन जी को बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, फिर अभी ये फर्दर आने स्टार्ट हो गए हैं और उसके अंदर फिर पोस्ट 2000 जो पैदा हुए हैं, इनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो
जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सिर्फ फैक्ट्री होती थी, ड्राई जगह होती थी, बड़े बड़े कंटेनर्स और वेयर हाउसेज होते थे। लेकिन अगर आप दुनिया के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन या टेक्नोलॉजी पार्क की तस्वीरें देखें तो वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि प्रॉब्ली शहर के अंदर सबसे खूबसूरत तरीन जगह जो है ना आपको टेक्नोलॉजी पार्क या टेक्नोलॉजी जोन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चा ग्लोबली अवेलेबल होता है क्योंकि उसके पास स्किल है, उसको आपने उस लोकेशन पे अट्रैक्ट करना है कि वो वहां पे आए। और इन जगहों पे आने से नॉर्मली टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो नॉलेज एक्सचेंज है। यहाँ पे आप कोई हार्ड चीज नहीं वो करते, आप नॉलेज एक्सचेंज करते हैं कि जी ये कोड है इसको इस तरह कर दें तो शायद बेहतर हो जाए, ये टेक्नोलॉजी है इसको इस तरह आप कर दें तो शायद बेहतर हो जाए। सो इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं होता। सो जो यंगस्टर्स हैं उनका एक नखरा है, जो लाइक यंगस्टर है उसका एक नखरा है, उस नखरे को केटर करने के लिए आप उस टेक्नोलॉजी जोन को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं ताकि वो वहां पे आए वो काम कर सके, क्योंकि एक लाइक बच्चा आता है वो तीन और बच्चों को 10 चीजें सिखा देगा। सो ये नॉलेज एक्सचेंज का जो पूरा मैकेनिज्म है वो हम टेक्नोलॉजी जोन में जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं और हम ग्लोबली बेंचमार्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा क्रिटिसाइज भी होता है बट हमने इस लॉ के अंदर विद द सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान व्हाट वी आर एबल टू अचीव वॉज कि जो भी इस टेक्नोलॉजी जोन के अंदर आएगा उसको 10 साल टैक्स हॉलीडे ऑन ऑल इनकम, उसको 10 साल कस्टम्स फ्री इम्पोर्ट है ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी लैपटॉप मोबाइल्स, कि जहां पे उसके 2 करोड़ रुपए लग रहे थे अब उसके शायद 1 करोड़ रुपए लग रहे हो या 1 करोड़ 20 लग रहे हो, जहां पे किसी बच्चे के 5 लाख रुपए लग रहे थे वहां पे 2 लाख लगे ताकि वो 3 लाख रुपए बचा सके, वो 3 लाख रुपए किसी और एक्टिविटी पे कर सके, वो शायद 3 लाख रुपए जाके अमरीका चला जाए और वह 15 कंपनी से मिल रहे। सो जो टैक्स के बेनिफिट्स ऑफर हुए और वो ये सारे वेबसाइट पे हमारे अवेलेबल भी हैं, वो इस वजह से हुए कि कॉस्ट नहीं चला। सो आप ये समझें कि एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टैक्स हमने हटा दिया, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल क्या है, आज का बच्चा, आज का नौजवान, उस नौजवान को यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराएं, नई यूनिवर्सिटीज को लाएं और फिर स्किल डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी इसके पीछे पूरी दुनिया में पड़ रही है और इसी वजह से वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान पहली दफा, और वो भी मैं जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा था, गलती से तवक्कली, हमने कोई प्लान नहीं किया, हमने प्लानिंग नहीं की तो हम यहाँ पे आ गए। अब हमें प्लानिंग की जरूरत है बिकॉज दैट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब एंड वी हैव टू क्रिएट जॉब्स एंड देयर इज फिनोमिनल इंटरेस्ट। विद इन 6 मंथ्स वी हैव बीन एबल टू गैदर इंशाल्लाह बड़े अच्छे आप लोगों को डिवेलपमेंट जो है वो मिलेंगे, बट दीज लार्ज डिवेलपमेंट्स टेक टाइम, प्लानिंग, ग्लोबल आउटरीच, टॉकिंग टू बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज भी पूरे जो है ना हमारी गवर्नमेंट की तरह होती हैं, इनके 5-5 लाख एम्प्लॉज, 4-4 लाख एम्प्लॉज होते हैं, इनके अप्रूवल प्रोसेस में 6 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। सो वी आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज एंड इंशाल्लाह ताला यू विल सी दैट स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी विल रीबैलेंस द इकोनॉमिक मिक्स। और इकोनॉमिक मिक्स ऑफ आर कंट्री क्या है, इकोनॉमिक मिक्स ऑफ आर कंट्री है जी सीमेंट, ऑयल, शुगर, वीट, एग्री इकोनॉमी है, फिर साथ में सीमेंट है, ऑयल हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। सो हाउ डू वी इम्प्रूव टेक्सटाइल्स, अब टेक्सटाइल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है बट अगर आप इस इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, 8% 15% से ज़्यादा नहीं ग्रो कर रही इस वक्त। अगर आप आईटी देखें, आईटी में आप कुछ भी ना करें तब भी 40% पे ग्रो कर रही है। सो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। मैं अक्सर अभी ये 10 दिन पहले किसी से बात कर रहा था कि अगर आप टेस्ला विच इज द टेक्नोलॉजी कंपनी जिसपे सब हंसते होते थे, ठीक है कि इलेक्ट्रिक कार नहीं चलेगी, 2018 में बिफोर कोविड उसकी, बल्कि 2019 में 250 बिलियन डॉलर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, मतलब उसकी टोटल वर्थ 250 बिलियन डॉलर थी। कोविड के बाद तकरीबन 3 सालों में वो गई 950 बिलियन डॉलर पे, तो 700 बिलियन डॉलर जो कि पाकिस्तान की जीडीपी 2.5
थ्री टाइम्स जीडीपी है, मतलब हम जीडीपी मतलब 2,22,00,000 आवाम जितना साथ एक इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस करती है उसके ढाई गुना सिर्फ एक कंपनी प्रोड्यूस, मतलब एक कंपनी को ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हुआ है. दिस इज जस्ट वन टेक्नोलॉजी कंपनी. सो द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट दे हैव वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टेक में हुआ है, बिकॉज टेक इज द फ्यूचर. दूसरा एक मेजर वो ये हुआ कि कोविड जब हुआ तो सारा का सारा जो लेगेसी सेक्टर है ना, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सीमेंट हो गए, एयरलाइंस हो गए, सिमिलरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गए, वो सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्म हुए. उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो ऊपर चली गई, जो लोग शायद एक्सपेक्ट करते 2025-2030 में. तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है टू बिकम दैट ग्लोबल फनल ऑफ द यूथ, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन द यूथ दैट नो अदर कंट्री हैज एज सच. सही है, इंडिया के पास भी है, लेकिन इंडिया पहले से इतना ज्यादा सप्लाई कर चुके हैं कि उसके पास पीछे फनल ही नहीं है. ठीक है, सो दैट्स वेयर वी कम इन. एंड अगर आप हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर जो पहले जाते होते थे वो देख लें तो दे आर बेस्ट इन क्लास. पाकिस्तानियों के लिए सबसे मुश्किल होता है जॉब्स देना. ठीक है, और अगर आप पूछें इस वक्त अमेरिका में बेस्ट डॉक्टर्स तो हर बेस्ट अस्पताल में आपको मिलते हैं. सिमिलर थिंग इज नाउ हैपनिंग इन टेक्नोलॉजी सेक्टर. सो एसटीजे इज मेनली फोकस्ड ऑन वर्किंग विद ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट दोस क्लस्टर्स जहां पे यूथ आए और वो उसको अपॉर्चुनिटीज मिले. वो जब निकले तो जब वो एक फॉर इंस्टेंस आप स्टार्टअप है, आप स्टार्टअप है, आप इंक्यूबेटर, आप इस्लामाबाद टेक्नोपोलिस में, आप अपने स्टार्टअप में 6 घंटे काम करके खाने के लिए निकलते हैं तो जो आगे कैफे है वहाँ पे बैठते हैं, आपके लेफ्ट साइड पे जो है किसी अमेरिकन कंपनी का बंदा हो, राइट साइड पे किसी चाइनीज कंपनी का बंदा हो जो किसी और ऑफिस में हो, और आप वहीं पे पिच करें, वहीं पे वेंचर कैपिटल हो, वहीं पे आपको फंडिंग मिले. सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि हम लाना चाहते हैं, रादर देन कि मैं पाकिस्तान के अंदर क्या है, मैं किसको जानता हूँ, उसके वालिद साहब के किसी कजन के भाई का दोस्त जो है वो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सिफारिश है. तो बस जी, अगर आपके पास वो नहीं है तो इट बिकम्स रियली हार्ड. एंड बीइंग हेलिंग फ्रॉम रिमोट प्लेस एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ पे मैं कोहाट से फिर जब यहाँ पे और किसी को नहीं जानता था, सो आई कैन रिलेट कि हाउ हार्ड इट हैज़ बीन फॉर मी to develop those connections, to grow in career, ठीक है, and that should not be it. We need to democratize technology sector opportunities for the youth. जिसके पास दिमाग है उसको opportunity आनी चाहिए, जिसके पास दिमाग है he should have global dreams, और वो global dreams और वो ख्वाब जो है वो हम इन टेक्नोपोलिस में, अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते तो हम कम से कम कुछ locations ऐसे बना दें. बड़े रिफॉर्म्स बाद में होंगे, हम कम से कम छोटे एग्जांपल्स दिखा दें ताकि बच्चा जो है वो जब वो विटनेस करता है तो वो भी सोचे कि मैंने कल को बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है.